फर्स्टली आई ड्रॉ अ क्यूब। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्यूब को ड्रॉ करेंगे। क्यूब के फ्रंट फेस पार्ट को हम वर्टिकली हाफ में डिवाइड करेंगे एंड देन उसी के बाद हम क्यूब के फ्रंट फेस पार्ट को ही हॉरिजॉन्टली हाफ में डिवाइड करेंगे। और इसको हाफ में डिवाइड करने के बाद हम जो हमारा क्यूब का हाफ पार्ट है, क्यूब के हाफ पार्ट को ही हम इज इक्वल टू नीचे चिन्ह के लिए मार्क करेंगे। जिस तरह हमें क्यूब का फ्रंट फेस पार्ट बनाया तो उसी तरह हम साइड फेस पार्ट बनाएंगे एंड हमारे क्यूब के फ्रंट फेस पार्ट की मिडल लाइन है उसी के पैरेलल हम एक अदर लाइन खींचेंगे और उसके बेस पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जो हमारे नोज के बेस के लिए प्रयोग किया जाएगा। और ईयर बनाने के लिए हम एक वर्टिकल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल। और क्यूब का फ्रंट फेस पार्ट को हम वर्टिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मिडिल पार्ट को छोड़कर जो दो पार्ट है उनमें हम आइज को बनाएंगे। हम आइज को लाइटली ड्रॉ करेंगे ताकि उसमें जो हमारी डेप्थ है वो बाद में दी जा सके। अब हम आइज को थोड़ा डार्क कर रहे हैं। आइज की थिकनेस को देने के लिए हम इसको थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। हम ब्लैक मार्कर से अब हम आइरिस को थोड़ा सा ब्रैक कर देते हैं जिससे हमारी आइज थोड़ी रियलिस्टिक लगेगी। अब हम आईब्रोज को ड्रॉ करेंगे। इसको हमें प्रेस्पेक्टिवली ड्रॉ करना है। अब आइज के एंगल को चेक करते हैं कि ठीक बने हैं या गलत बने हैं। और जो हमारे नोज है, जो हमारे नीचे हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था उसी के बिल्कुल ऊपर टिप के ऊपर आएगी हमारी जो ये लाइन है। अब हम ईयर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपको ईयर नहीं ड्रॉ करना तो आप जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए। जो हमारा है इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे जो हमारे दोनों लिप्स के बीच की लाइन होगी। अब जो हम चिक की लाइन लेके आ रही है और जो हम इसे चिन से कनेक्ट करते हुए जो लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं मार्कर से हम थोड़ी सी डेप्थ दे। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिनको फेस या पोर्ट्रेट्स नहीं बनाने आते इस वीडियो को हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।